दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा पाली का आईटीआई भवन। डर के साए में पढ़ाई कर रहे छात्र छतों में लगाए रहते हैं टकटकी। सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है मध्य प्रदेश में शिक्षा का मंदिर। जी हाँ, ठीक ही सुना आपने। जहाँ एक और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर माहौल देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली का है, जहां शासकीय औद्योगिक शिक्षण संस्था आईटीआई पाली का भवन, जो कि बीआरसी का पुराना भवन है, अब दुर्घटना को आमंत्रण देता नजर आ रहा है। भवन इतना जर्जर हो गया है कि छत का प्लास्टर टूट कर गिरने लगा है। जगह जगह दरारें आ गई हैं। जगह पर्याप्त न होने से संस्था में छात्रों के कराए जाने वाले प्रैक्टिकल के उपकरण रखने तक की जगह नहीं है। प्रैक्टिकल करने की तो दूर की बात है। डर के साए में पाली के आईटीआई के भवन में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र छात्राएं इस पुराने भवन में खतरे की आशंका को देखते हुए द्वारा भवन निर्माण के भूमि पूजन लगभग 2017-18 में किया गया, जो कि लगभग 8 से 9 करोड़ की लागत से बन रहे नवीन आईटीआई के भवन निर्माण कार्य जल्द पूर्ण होने इंतजार कर रहे हैं। इन पाली के गिंजरी चल रहा आरटीआई का नवीन भवन निर्माण कार्य कछुए की रफ्तार से चल रहा। आखिर कब मिलेगा नए भवन में बच्चों को पढ़ने की ये सौगात छात्रों में बना हुआ है। राकेश कुमार सिंह है और मैं ये आईटीआई पाली में प्रभारी संस्था प्रमुख के रूप में कार्यरत हूँ। सर, ये जो अपना भवन है बीआरसी भवन है ये, और ये बहुत पुराना बिल्डिंग हो गया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में छत कहीं पे टूट रही है। बरसात के दिनों में जनरली हमको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है और डर भी लगा रहता है कि कहीं ये गिरे ना छत वगैरह। और वर्तमान में अभी हमारे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की भी कमी है, और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाए हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। और वर्तमान में आईटीआई भवन निर्माणाधीन है, उसका कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक वो हैंड ओवर होने की स्थिति में नहीं है। और वहाँ की जो विशेष जो प्रॉब्लम है अभी की हमारी, वो आवागमन का जो रास्ता है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि हमको कहाँ से आवागमन का रास्ता मिला। और इस संबंध में हम आदरणीय ये छत के लिए ये है कि हमारा भवन जल्दी से कंप्लीट हो जाए, तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे बच्चों को अच्छा स्पेस मिलेगा और उनका प्रशिक्षण भी बेहतर तरीके से हम संचालित कर पाएंगे। अनिल सिंह है। किस कक्षा में और कहाँ पे पढ़ाई? मैं गवर्नमेंट आईटीआई पाली में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पर मतलब द्वितीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो जगह है हमारी छोटी है, और यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल करने के लिए जगह कम पड़ रही है, और लाइट की सुविधा भी नहीं है, पानी की भी समस्या है, और बिल्डिंग टूटने को आ गई है। और क्या शासन से हमारी मांग यही है कि जो हमारी आईटीआई के लिए नई बिल्डिंग बन रही है वो जल्द से जल्द हमारे हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि वहाँ पे पढ़ाई एवं प्रैक्टिकल की सही तरीके से हो सके।